अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं महमूद अली और आप देख रहे हैं राजा टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके डायलर के ऊपर पिक्चर लगाने की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा डायलर है, डायलर के ऊपर आप देख सकते हैं मेरी तस्वीर लगी हुई है, पिक्स कहते हैं, तस्वीर कहते हैं। इसके अलावा देखें कार लॉक जो है उसके ऊपर भी मेरी तस्वीर लगी हुई है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स में तो वहाँ देखें, यहाँ भी मैंने अपनी तस्वीर लगा के रखी हुई है। तो अगर आप भी ऐसी तस्वीर लगाना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप कैसे ऐसी तस्वीर अपने मोबाइल पे लगा, अपने कार डायलर पे लगा सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ जी, तो आ गए आप लोग। सिंपली लिंक पे आने के बाद आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने है। देखें इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद हम आपको बताते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है। ये चंद सेकेंड बस लेगा, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलिंग हो रही है, ठीक है, बस थोड़ा वेट कर लेते हैं और क्या कर सकते हैं हम भी। ये देखें ये इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद आपने, और वैसे आप इसको आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी, आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जा कर देख सकते हैं, आप एक लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक पे आप जाके इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से ओपन करें। यहाँ से ओपन करने के बाद ठीक है, यहाँ से अलाउ करें, ठीक है, ऑल अलाउड कर दें, अलाउ कर देंगे। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा आएगा, एक इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपने सिंपली इसको कुछ भी नहीं करना, ओके ओके के बाद आप ये थ्री डॉट देख सकते हैं। थ्री डॉट पे जाके आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये वाली सेटिंग आप देख सकते हैं, यहाँ जाएं। यहाँ जाने के बाद आप देखें ये यहाँ थीम भी नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद फिलहाल दो ही, आप नीचे सेटिंग में यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं ये थीम्स आपके पास फिलहाल दो ही। आप नीचे फ्री पे क्रॉप क्लिक करके आप और डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली हम चलते हैं फाउंड पे। फाउंड आप देख सकते हैं फिलहाल ये डाउनलोड होंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। तो डायल पैड पे चलते हैं, डायल पैड बैकग्राउंड के बाद गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी एक तस्वीर अपनी सिलेक्ट कर लें, जैसे कि मैं ये कर लेता हूँ। इसके बाद जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे नीचे आ जाएगा क्रॉप। क्रॉप पे आपने सिंपली इसको डन कर देना है। डन करने के बाद आप कॉल लॉग बैकग्राउंड में आएंगे। बैकग्राउंड पे आने के बाद गैलरी में, गैलरी में आप सिंपली ये तस्वीर ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद तो आप देख सकते हैं, सॉरी मैंने आपको बैक करके दिखाया नहीं, आप देखें ये भी तस्वीर लग चुकी है और ये भी तस्वीर लग चुकी है। और इसके अलावा देखें यहाँ कोई तस्वीर नहीं है, तो चले यहाँ भी तस्वीर लगा लेते हैं। आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है सेटिंग में। सेटिंग के बाद पर्सनल सेटिंग में, उसके बाद आपने जाना है कॉन्टैक्ट लिस्ट बैकग्राउंड में, उसके बाद गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद आप सिंपली यहाँ आए। आने के बाद आपने ये कोई भी अपनी तस्वीर जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इसको सेलेक्ट करके क्रॉप करके सेटिंग करके इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीर लग चुकी है, ठीक है। उसके बाद दोबारा चाहें एक और सेटिंग आपको बता देते हैं। वापसी आपने उसी में जाना है। उसी में जाने के बाद फाउंड हो सकते हैं डाउनलोड हो चुके हैं सारे फाउंड, आप इसमें से कोई भी फाउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से ओके ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें ये फाउंड आ चुके हैं। आप देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर ये फाउंड आ चुके हैं, सॉरी मैं बैक चला गया था, तो ये फाउंड आ चुके हैं। आप कीबोर्ड पर आएँ, कीबोर्ड पर इसको नीचे कर दें कीबोर्ड को, और आप देखें ये आपके पास सारे फाउंड, जैसे कि जितने भी नेम है वो उसी फाउंड में आ सकते हैं। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। देखें थ्री डॉट पे क्लिक करके बाकी आपने जो भी सेटिंग करनी है यहाँ आप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले बेल के बटन को दबा दें। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ से जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे आप हमें लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।